अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक से हैं। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आपको मुर्गियों के डिजीज के बारे में बताऊंगा कि उनको कौन सी ऐसी चीज़ें अपने पास ऑल टाइम रखनी है कि उनसे आपको इस वादा हासिल कर सकें कि अपने मुर्गियों को की केयर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एंटीक्योर के ड्रॉप मिलते हैं 60 रुपये का तकरीबन, वो ड्रॉप होगा एंटीक्योर के नाम पर होगा। एंटीक्योर के जो ड्रॉप हैं वो मैं आपको बिल्कुल फ्री डिलीवर कर दूंगा। आप कमेंट में अपना एड्रेस मुझे दे देना तो मैं आपको बिल्कुल फ्री में जो है ना आप तक पहुँचा दूंगा इंशाल्लाह। TCS या किसी दूसरे जिस तरह भी कार्गो वगैरह हो मैं आपको करवा दूंगा। तो इसी तरह फ्रेंड दूसरी चीज़ जो करनी है, क्या सफाई का खास ख्याल रखना है और ब्लीच रखनी है आपने। कपड़े साफ करने वाली जो ब्लीच होती है ना वो ऑल टाइम अपने पास रखनी है, और जिस जहाँ पे इनका केज वगैरह बनाए होते हैं वहाँ पे वो ज़रूर उनकी स्प्रे करनी है ब्लीच। पानी में 2 लीटर पानी लेना है और उसमें 4 ढक्कन ब्लीच के डाल देने हैं, तकरीबन 50-60 रुपये का ये आता है। जिससे ये होगा कि बाहर से जो जरासीम वगैरह आते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। और फिर उसके अलावा आपको एक एवल का सिरप जो है आप अपने पास हर वक्त रखना है। एवल के सिरप का जो इफेक्ट है वो ये है कि जब आपकी किसी मुर्गी के आँख के करीब सोजश या कोई दाना वगैरह हो या उसकी बैंक पे कोई जो है दाना वगैरह निकल आए या सोजश हो जाए तो उसको एवल दिन में 2 दफ़ा देना है, सुबह और शाम। 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन उसमें डाल के दे देने हैं और इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो बिल्कुल साफ और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आपने ये 2-3 चीज़ें जो है ना बस आपने यही करनी है, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आएगी, आपके किसी भी मुर्गी में किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं इन मुर्गियों के बारे में भी आपको मुकम्मल आगाही देता रहूँगा, इनके रेट्स वगैरह, और मेरे पास काफ़ी बर्ड है, इंशाल्लाह उनकी भी वीडियो जो है ना मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।